ये बात तो सच है कि ममता बनर्जी हैं, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तमाम चीजें, लेकिन 10 सालों तक का जो कामकाज उन्होंने नहीं किया है, बीजेपी बार बार ये लेकर लोगों के बीच जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है। देखिए 20 दिनों के भीतर दोबारा वो पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और इसी के जरिए आप सोच सकते हैं कि बीजेपी कितनी ज्यादा गंभीर और पूरी ताकत के साथ वो चुनावी मैदान में है। कैसे कीजिएगा मुकाबला? तिवारी जी कितना प्यार करते हैं, कितना तिवारी जी, कितनी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री कितना बंगाल से प्यार करते हैं। आपको खुश होना चाहिए, मायूस तिवारी जी। उत्तर भी सुन लीजिए शहनवाज जी, सुन लेते हैं बोलिए बोलिए जितेंद्र तिवारी जी, बोलिए। शहनवाज जी क्या ये कह रहा हूँ, बंगाल के एमएलए हैं, मुबारक हो, देश के प्रधानमंत्री कल हल्दिया जा रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको। आप मंत्री बनने वाले हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अग्रिम मुबारकबाद। मैं जो कहना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आ रहे हैं? ऐसा है क्या? क्यों बार बार प्रधानमंत्री का नाम यहाँ लिया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में यदि वो बंगाल में आते हैं उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी यदि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सबसे बड़े नेता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतने मजबूत और बड़े नेता हैं, वो नाम ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है? आपको किसी ने रोका है कि आप ममता बनर्जी का नाम मत लीजिए? वो क्या मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने वाले हैं? वो क्या मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने वाले हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों? मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े बस वही बंगाल आए, जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े वही बंगाल आए। प्रधानमंत्री नहीं आए बंगाल में, मुख्यमंत्री का चुनाव कौन है? जितेंद्र तिवारी, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन है? मुख्यमंत्री प्रत्याशी का नाम बताएं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में आपको तो दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए प्रधानमंत्री का, और आप कह रहे हैं कि वो उनको मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना है, इतने हल्के बातें क्यों कर रहे हैं? जितेंद्र तिवारी प्रधानमंत्री रहेंगे, आपका नेता बंगाल में कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी का तो कार्यकर्ता बनने वाला है, बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता बनने वाला है। नाम बताइए, आपको प्रधानमंत्री से डर क्यों लगता है आपको? वो नाम बताइए, वो नाम बताएंगे आप, नजर लगा देंगे, वो नाम बताइए, नहीं बताएंगे आप, नजर लगा देंगे। नाम है ही नहीं, हमारा उम्मीदवार तय है, आपके पास कोई है नहीं, नजर नहीं लगेगी शहनवाज हुसैन साहब, नहीं लगेगी नजर, बोलिए कौन है? नहीं लगेगी नजर, बोलिए कौन है? त्रिपुरा में नाम बताया, आपके पास नहीं है बताया, बिना नाम बताए एक साधारण दुल्हा के ममता जी को पराजित कर सकता है? बिना दुल्हा की बारात है बीजेपी की, बिना दुल्हा के बारात, ये कैसी मजा नहीं आएगा इस शादी में, मजा नहीं आता है बिना दुल्हा के बारात में। आपको गाली दे रहे तिवारी जी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दूल्हा बनता नहीं, सेवक बनता है, दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी सेवक बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सेवक, भारतीय जनता पार्टी मुख्य सेवक, आपके पास कोई है नहीं। हमारा एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नड्डा जी की ताकत के साथ है, लय से उनके आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, बंगाल की जनता का आशीर्वाद है।